कनाडा में स्टूडेंट्स की इनकम कितनी होती है? कनाडा में स्टूडेंट्स की इनकम काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि उनकी जॉब टाइप, लोकेशन, आवर्स ऑफ वर्क और एक्सपीरियंस। यहाँ कुछ जनरल गाइडलाइंस है, लेकिन हर सिचुएशन अलग हो सकती है। फर्स्ट, कनाडा में प्रोविंसेस और टेरिटरीज के मुताबिक मिनिमम वेज वेरी करता है। जनरली मिनिमम वेज रेंज 16 से 20 कैनेडियन डॉलर पर आर के बीच होता है। सेकंड, ऑन कैंपस जॉब्स यूजुअली अच्छी सैलरी देती है। ये जॉब स्टूडेंट्स के एकेडमिक स्केड्यूल के हिसाब से फ्लेक्सिबल होते हैं। थर्ड, ऑफ कैंपस जॉब्स में भी पे मिनिमम वेज से शुरू होती है, लेकिन अगर आपके पास स्पेसिफिक स्किल्स है, जैसे कि टेक्निकल स्किल्स, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एटसेट्रा, तो आप हायर पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ, अगर आप इंटर्नशिप्स में काम कर रहे हैं, तो आपके पे स्केल और जॉब के टाइप पर डिपेंड करेगा। जनरली इंटर्नशिप्स में पे बेटर होती है रेगुलर पार्ट टाइम जॉब से। फिफ्थ, अगर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में स्किल जॉब या इंटर्नशिप कर रहे हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, आईटी, फाइनेंस एटसेट्रा, तो आपको हायर पे मिल सकती है, खासकर अगर आप रेलेवेंट एक्सपीरियंस लेकर आए हैं। सिक्स्थ, कुछ जॉब्स में जैसे कि फूड सर्विस, आपको टिप भी मिल सकती है, जो आपकी ओवरऑल इनकम को बूस्ट कर सकती है। सेवन्थ, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं, आपकी अर्निंग पोटेंशियल भी इम्प्रूव होती है। एट, याद रहे कि आपके स्टूडेंट वीजा पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि एकेडमिक सेशंस के दौरान आप सीमित घंटों तक काम कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने वीजा टर्म्स को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। यहाँ आपको एक टेबल दी गई है, जिसमें आप कनाडा की पॉपुलर जॉब्स की सैलरी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।